हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीलम, ब्रिज नील फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं टेस्टी सी इडली। यहाँ इडली बनाने के लिए मैंने नॉर्मल चावल का यूज़ किया है और इसमें 7 कप मैंने चावल लिया है और 2 कप धुली हुई उड़द की दाल का यूज़ किया है। साथ ही इसमें 1 चम्मच मैंने मेथी दाना का यूज़ किया है। अब इन सबको अच्छे से धुल लेंगे और साथ ही इसमें 5 से 6 घंटे के लिए इसे सोक करने के लिए रख देंगे। अब जब ये अच्छे से सोक हो जाए तो इनका अच्छा सा एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे और जब पेस्ट बनके तैयार हो गया है तो इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट अनुसार और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे कम से कम ओवरनाइट या फिर 7 से 8 घंटे इसे फर्मेंटेड होने के लिए रख देते हैं। अब मैंने ओवरनाइट फर्मेंटेड होने के लिए रखा था। अब ये देखिए नेक्स्ट डे की वीडियो है। यहाँ पे कितने अच्छे से इडली का घोल फूल गया है। अब चलिए आइए इसे बनाते हैं। यहाँ पे इडली के सांचों पे मैंने ऑयल अच्छे से लगा लिया था ताकि इडली निकलने में आसानी हो। पानी बॉईल होने के लिए मैंने पहले से ही रख दिया था। अब पानी भी बॉईल हो गया था तो चलिए अब इडली को स्टीम करने के लिए रख देते हैं। और जब तक इडलियाँ स्टीम हो रही हैं आइए चटनी की तैयारी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। मस्टर्ड ऑयल में अब चने की दाल को ऐड कर लेंगे और साथ ही उसे थोड़ा सा रोस्ट होने देंगे। अब जब दाल अच्छे से रोस्ट हो जाए तो उसमें थोड़ा सा जीरा 1/2 चम्मच करीबन ऐड करेंगे, उसे भी थोड़ा सा रोस्ट करेंगे और साथ ही मूंगफली के दाने भी इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से इसे रोस्ट करेंगे। यहाँ पे मूंगफली के दाने मैं पहले से ही रोस्ट करके मैंने रखे हुए थे तो मैंने ज़्यादा इसमें रोस्ट नहीं किया है। मूंगफली के दाने रोस्ट करके रखने से मूंगफली जल्दी ख़राब नहीं होते हैं तो मैं रोस्ट करके पहले से ही रख लेती हूँ। और यहाँ पे नारियल, कटे हुए नारियल को थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया है और साथ ही कुछ लहसुन की कलियाँ भी ऐड की हैं और 3 से 4 हरी मिर्च को ऐड करके उसे कुछ देर तक के अच्छे से इसे रोस्ट होने देते हैं। अब जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाए तो कुछ देर इसे ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद जब इसे पीसेंगे तभी इसमें धनिया ऐड करेंगे। और इस समय असम में अधिकतर यही वाली धनिया मिल रही है। जो नॉर्मल वाली धनिया होती है वो भी मिल रही है मगर वो थोड़ा सा इजीली नहीं अवेलेबल हो पा रहा था, वो ये घर के पास मेरे आसानी से मुझे मिल गया था। चलिए अब चटनी बनाने के लिए सारे मिक्सचर को अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पर धनिया को भी मैंने तोड़ के इसमें ऐड कर लिया था। अब पहले इसे जब थोड़ा सा पीसेंगे तो दरदरा ही रखेंगे, बाद में इसमें पानी ऐड करके इसे एक अच्छा सा घोल इसका तैयार कर लेंगे। अब चलिए चटनी में तड़का भी लगाते हैं। तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल में थोड़े से मस्टर्ड सीड डाले हैं, साथ ही मैंने इसमें 1 हरी मिर्च को काट के डाला है और कुछ करी पत्ते को डाला। जब थोड़ा सा अच्छे से रोस्ट हो गया तब इन्हें चटनियों में अच्छे से डाल देंगे और तड़का चटनी में लगा लेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड करेंगे। फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे चटनी तैयार है। अब आइए इडलियों को भी चेक कर लेते हैं जिन्हें स्टीम करने के लिए रखा था। अब यहाँ पे इडलियाँ भी अच्छे से बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए कितने अच्छे से इडलियाँ फूल गई हैं। अब जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए तब इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए इडलियाँ कितनी ही अच्छी जालीदार बनी हैं। अब ये सुबह के समय मैंने इडली बनाई थी तो इस समय ब्रेकफास्ट के लिए मैंने इडली को ही फ्राई कर लिया है।
चलिए इडली को भी फ्राई करते हैं। यहाँ पे इडली फ्राई करने के लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा जीरा और एक हरी मिर्च और कुछ कड़ी पत्ते डाले हैं। अब जब ये हल्के से ब्राउन हो जाए तब इसमें कुछ हमारे जो स्पाइसेस हैं, धनिया, मिर्चा, हल्दी और गरम मसाला, ये मसाले थोड़ी थोड़ी ही क्वांटिटी में लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, इन मसालों को इसमें ऐड कर लेंगे और इसे हल्का सा रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा इसे नहीं रोस्ट करेंगे वरना ये मसाले जल जाएंगे। अब इसमें इडली को मैंने दो भागों में काट लिया था, अब इसे भी इसमें ऐड कर लेंगे और थोड़ी देर अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और इन्हें स्लो फ्लेम पे कुछ देर तक के क्रिस्पी होने तक के इन्हें भून लेंगे। अभी जब इस तरह से थोड़ी देर भूनते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी से क्रिस्पी से इडली हो जाते हैं, जिन्हें आप ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट तो बन के तैयार हो गया है, क्रिस्पी क्रिस्पी इडली और चटनी। चलिए अभी इन्हें अपने बच्चों को सर्व करती हूँ। अब ब्रेकफास्ट तो फ्राई इडली की हो गई थी, मगर लंच में इडली के साथ मैंने सांभर भी बनाया। तो सांभर में मैंने एक कटोरी यहाँ पे अरहर की दाल को लिया है, जिसे मैंने एक घंटा पहले ही सोख करने के लिए रख दिया था। अब इसमें सब्जियाँ मैंने यहाँ पे तुरई, टमाटर, भिंडी, स्क्वाश और प्याज ये सब लिया है। सब्जियां तो खैर आप अपने चॉइस से भी ले सकते हैं, इसमें मेरे पास जो इस वक्त थी सब्जियां वही मैंने सब्जियां ली हैं। अब दाल में फिर सब्जियों को ऐड कर लेंगे और साथ ही इसमें टमाटर, करी पत्ता और दो हरी मिर्च भी ऐड करेंगे और इमली का पल्प नमक टेस्ट अनुसार, धनिया, मिर्चा और हल्दी इन्हें ऐड करेंगे। और साथ ही यहाँ पे मैंने सांभर मसाला लिया है MDH का, वो 2 चम्मच भर के लेंगे। अब इसमें पानी ऐड कर लेंगे, जिस हिसाब से सांभर गाढ़ा या पतला चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे 2 से 3 सीटी आने तक के अच्छे से पकने देंगे। अब चलिए सांभर का तड़का भी तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ सांभर भी बन के तैयार हो गया था, चलिए तड़का लगा लेते हैं सांभर में और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे लंच भी हमारा रेडी है, सुपर हेल्दी एंड सुपर टेस्टी इडली का लंच। अब लंच वगैरह करने के बाद इवनिंग में हम लोग थोड़ा सा स्कूल के ग्राउंड में गए थे। यहाँ पर ग्राउंड में जो लंबी लंबी घासें निकल आई थी, अब तक तो मैं इसे घास ही समझती थी पर ये घास नहीं थी। इस घास का भी बहुत अच्छा यूज़ है, इस घास को एक जगह कलेक्ट करके लेडीज़ जो है उसकी झाड़ू बनाती हैं और ये देखिए यहाँ पे सब लगे हुए हैं, उसे काटते हैं। मैंने इस झाड़ू का नाम भी पूछा था कि असम में यहाँ पे क्या कहते हैं या बोडो इसे क्या कहते हैं, मगर अब मैं भूल गई हूँ अभी कि क्या उसे कहते हैं। मेरे बच्चों को तो जैसे लगता है मौका ही मिल गया था खेलने का, तो वो सब भी साथ में लग गए थे और कटे हुए जो रखे हुए थे झाड़ू की तीलियाँ उन्हें भी ये उठा उठा के उसे कलेक्ट कर रहे थे। इन्होंने छोटी छोटी झाड़ूयाँ बनाई और जब मैंने अपने बच्चों को मना किया तो देखिए मेरी बेटी का रिएक्शन। वहाँ पे
पेड़ वो है वो उस पेड़ पे क्या दिखा रही उस पेड़ पे देखो चिड़िया उल्लू बनाया बड़ा मजा आया सच्ची में फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग कट 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 कट